शीतलहर और घरे कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नगर परिषद द्वारा नहीं की गई प्रमुख चौराहों पर कोई भी अलाव की व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। शीतलहर और घने कोहरे से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं खनिया थाना में भी सर्दी चरम पर है और लगातार शीतलहर के साथ ही घने कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हर साल नगर परिषद खनिया थाना के द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों पर ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती रही है, पर इस बार खनिया थाना नगर परिषद के द्वारा कोई भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोग एवं बाहर से आने जाने वाले लोग इस शीतलहर में छिटुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वह हमारी टीम ने नगर के लोगों से बात की तो नगर के लोगों का कहना है कि हर साल नगर परिषद के द्वारा अलाव जलाए जाते थे, पर इस बार कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की है। वहीं जब हमारी टीम ने नगर परिषद के सीएमओ आनंद शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करवा दी जाएगी, पर अभी तक कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे ऐसा लगता है कि जब सर्दी निकल जाएगी तब नगर परिषद के द्वारा प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। तहसीलदार से भी इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने भी 2 दिन में अलाव की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, पर 3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज से कुछ दिन और जोरदार ठंड के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिससे आमजन सहित पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। भाई का नाम है दसोदा। जे तुम ताप नहीं बैठ के लकाइया नगर पालिका की तरफ से आई का नहीं ये कहाँ से लाते हो आप लोग? अबे तो ढूंढ ले आते कंडम मंडल। तो अभी तक यहाँ पर लकाइया नहीं आई? पानी है, बोरिंग है, जी ऐसी जला रहा है। पिछली वर्ष नगर में जगह जगह सर्दी के मौसम में अलाव जलाए जाते थे, इस बार ऐसा क्या है कि आप एक पार्षद भी हैं तो नगर में अलाव नहीं जल रहे हैं? मैं पार्षद होने के नाते भी सीएमओ साहब से और अध्यक्ष पति से, अध्यक्ष तो आती नहीं है, अध्यक्ष पति आते हैं उनसे बोल बोल के कई बार कह चुका हूँ, तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है। भाई पैसा नहीं है तो इतनी तो व्यवस्था करो, और भी तो व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग, तो बोला कि ठीक है हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो सुनने में कहीं पिछोर का नाम लेते हैं कि पिछोर से व्यक्ति मांगेंगे, हमने कहा जो पैसा पिछोर वालों को देना है वो अपने नगर में भी तो लकड़ी मिल सकती है, कहीं से भी लकड़ी मंगवा लो। तो वाला ठीक, हम यहाँ मिल नहीं रही है, हमने ढूंढ ली, झूठा आश्वासन देते हैं यहाँ अलाव जलाने के लिए, उनकी खुद की मंशा नहीं है कि यहाँ अलाव जले। क्या कारण रहा कि अध्यक्ष का कहना है, सुनने में आ रहा है कि खनिया थाने में लकड़ी नहीं है, हम पिछोर से मंगाएंगे, क्या पिछोर में कहाँ से लकड़ी? ये तो बहाना ले रहे हैं, वो पिछोर में लकड़ी क्या, यहाँ लकड़ी कितनी लकड़ी मिलते लोग कहीं, वो तो बहाना ले रहे हैं। आज का वादा किया था आज किसी आलू में लकड़ी आएगी, अभी तक तो कोई लकड़ी नहीं आई। भैया क्या नाम है? केशव। केशव, ये जो आप यहाँ अलाव जलाए बैठे हैं ताप रहे हैं, तो ये लकड़ी नगर परिषद की ओर से आई है क्या? नहीं सर, ये कहीं से नहीं आए सर, अपने जंगल से ले आ के ताप रहे हैं, और जी देख रहे हो मौसम कितना खराब है। आप खुद लाते हो लकड़ी? हाँ, जंगल खुद ले आ रहे हैं सर, उससे ताप रहे हैं। हाँ उससे ही ताप रहे हैं। तो अभी नगर परिषद की तरफ से कोई नहीं, हमने कहा भी उनसे तो ये कह रहे आदेश नहीं है वहाँ से, उनकी चलो भैया ठीक है नहीं है आदेश। नगर खनिया थाना में नगर परिषद के द्वारा अलाव जलाया जाता था, इस बार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? आप एक आम नागरिक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो पड़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन अलाव अभी तक नहीं जल रहा है, कहीं ना लकड़ी डल रही है, आदमी परेशान हो रहे हैं। क्या आपने नगर पालिका को अवगत कराया? नहीं अभी तो नहीं कराया। नहीं तो नगर में अलाव इस समय इतनी सर्दी ज्यादा है, अलाव जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए? नहीं, आपका जलना क्या चाहिए? मत है? क्यों नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए, जरूरी है, आदमी परेशान नहीं होगा, ठंड ज्यादा पड़ रही है। जैसे जलती थी उन स्थानों पर अलाव जलवाने के लिए शीघ्र आज से ही हम कार्रवाई प्रारंभ करते हैं।